हाय शख्स, मेरा नाम है ओमकार दयानंद दरेकर। हाय शख, संगीता दरेकर। हाय सर, मैं दरेकर दयानंद लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मैं 20 साल से मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करता हूँ। शहर में शादी करना है तो आसानी से हो जाती है, लेकिन गांव में शादी करेंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये चलता फिरता मंगल कार्यालय बनाया। क्यों जाना मंगल कार्यालय के द्वार पे, जब मंगल कार्यालय ही आ सकता है आपके द्वार पे। सो शख्स, हमारा जो ये मंगल कार्यालय है वो एक पोर्टेबल हॉल है। इसमें 300 लोगों की कैपेसिटी है। इसमें हमने पूरी फैसिलिटी दी है, जैसे कि एसी, स्टेज, डेकोरेशन, लाइट, साउंड एंड हॉल। हमने अब तक 40 से भी ज्यादा इवेंट कर चुके हैं। wow. और ये 25 से भी ज्यादा इसका यूज हो सकता है, जैसे कि मूवेबल हॉल हो या इमरजेंसी हॉस्पिटल हो या फंक्शंस हो या इवेंट। ये हॉल आप कहीं भी और कहाँ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप माउंटेन्स हो या रिवर हो या सी हो या बीच पे हो या आपके घर के पास या गांव में या खेत में। हमने जब हमारा वीडियो यूट्यूब पे डाला था तो वो इतना वायरल हो गया था कि हमें 15,000 तक हमें कॉल आ चुकी थी हमारे हॉल के लिए। तो सर, हर गांव में जो मोबाइल टावर रहते हैं, वैसे हमारा चलता फिरता मंगल का हर गांव में रहे, यही हमारा विजन है। क्या बात है। सो शख्स, हमारा आज के 2 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। तो सर, आ गया है चलता फिरता मंगल कार्यालय आपके शार्क इंडिया के द्वार पे। आप और हम मिला के पहुंचाते इसे इंडिया के हर घर के द्वार पे। तो चलिए शार्क, आपका हम स्वागत करते हैं सर। वाह, अरे वाह, चलो चलो। क्या चल रहे? मंगल कार्यालय देखने आया हूँ। चलते फिरते मंगल कार्यालय। नहीं सर, मैं 12वीं पास हूँ सर। मंडप अगर लगाएंगे तो लाख दो लाख रुपए लगते सर। जमीन पे इसको हम 50,000 रुपए दे रहे हैं। दिन का 50,000? दिन का 50,000। खाना अलग? खाना अलग। खाने का पर प्लेट का क्या लेते? अभी हमारे इधर 200-250 रुपए चलते। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये कितनों का वेट ले सकता? 300 लोग जाने दो, 400 लोग जाने, कुछ नहीं प्रॉब्लम। कोई दुर्घटना हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं। All right, man. This Whoa. is crazy cool. अरे वाह। Wow. अरे यार, एकदम शादी वाली फील आ रही है। Not bad. Look at that disco ball. लग नहीं रहेगी ट्रक में। ये स्मेल किस चीज का आ रहा है? एक कारपेट का है सर। तो ये हमेशा रहता है सर? नहीं 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 रहता। इसमें एग्जॉस्ट क्यों नहीं लगाया? इधर क्या इसका पॉइंट है? ये हमारा एक ब्रांड है स्पीकर का। हाँ, वो आप लगा दीजिए। इन्वेस्टमेंट करते ही बदल देंगे सारे स्पीकर। हेलो हेलो, मेरा हाथ पकड़ियो। बहुत मजा आया, मजा आया। बहुत अलग अलग चीजें हो रही है भारत में, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये इंडिया का पहला होगा चलता फिरता? इंडिया में का पहला प्रोडक्ट है। अमेजिंग। बड़े एसीज ने देखे वहां, मूत्रालय नहीं दिखा? नहीं सर, उसकी गाड़ियां है ना सर। अलग गाड़ियां आती है? अलग गाड़ियां है। आप पहले अपनी बारे में बताइए। मैं पहले मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करता था, क्योंकि मैं ऑटो चलाया, पनपट्टी किया, वड़ा पाव किया, इतने बिजनेस करके यहाँ तक पहुंचा हूं सर। अरे वाह, क्या बात। पुणे MIDC में 4 साल काम किया सर। अच्छा। और मैं हेल्पर था, वो कंपनी में हेल्पर झाड़ू मारता था। अरे बाप रे। और ओंकार जी, आप फुल टाइम कर रहे हो ये? फिलहाल तो कॉलेज चल रहा है, पर कॉलेज के अलावा मैं यही कर रहा हूँ पापा के साथ। तुम ही काय करता हो? तुम ही काय करता? मी पण जसं काम करते कंपनी मध्ये, रोजगार मध्ये जे रोजगारी राहतात ना, त्यांना जाऊन सांगायचं काम हे कर ते कर। अच्छा, इंस्ट्रक्शन द्यायचं काम करतात। कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? अभी स्टार्ट करके 1 साल ही हो गया। कितनी शादियां करवाई आपने? अभी इसमें 40 प्रोग्राम ऑल हो चुके। मतलब 12 महीने में 40, मतलब 1 महीने में करीब 3 कर रहे हैं आप? हाँ बराबर। तो इतनी डिमांड है? जो कस्टमर की मांग है ना सर, वो ज्यादा है। किसी की 600 लोगों की शादी होती है, किसी की 1,000 लोगों की शादी होती है। तो फिर वो कैसे करेंगे आप? हम ऐसी गाड़ियां बनाने वाले कि गाड़ी से गाड़ी जॉइंट कर हम कितना भी हॉल बड़ा बना सकते हैं। पर इस ट्रक में शादी करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है सर, अगर हम मंगल कार्यालय जाएंगे तो मंगलवार कार्यालय की डिमांड है कि 2-3 लाख रुपए डिमांड है। आप कह रहे हैं आप सस्ते हैं? हाँ। तो आप कितने सस्ते हैं? आप 50,000 रुपए लेते हैं? 50,000 ले रहे हैं। और खाने का? 200 लोगों की शादी जो है सर, वो और कोई प्रोग्राम हो वो 80,000 में पूरा हो जाता है खाने के साथ। पर सर, लातूर में तो 50,000 में मिलना चाहिए ना, कम्युनिटी सेंटर का एक कार्यालय। हल दूर होता है, आपका घर यहाँ पर है, हल दूर होता है।
मुझे समझो मेरे खेती में शादी करना, मैं खेती वाला हूँ बड़ा, मेरी मजबूरी है, मेरे हल के पास जाना पड़ता है, मुझे तालाब के बाजू में निसर्ग रम्य जगह पे किधर भी हम शादी कर सकते। तो अभी लोग क्या कहते हैं जब यहाँ से जब इसमें होता है तो लोगों को अच्छा लगता है? प्रोग्राम करेंगे ना सर, वो बोलते हैं यार मैं बहुत भारी जगह शादी किया, वहीं से मुझे बुकिंग मिलती है, लेकिन थोड़ा उनकी डिमांड ज्यादा है, हम थोड़ा ये अभी क्योंकि नया नया है। हाँ नया नया है, नॉवल्टी है। मुझे सर एमपी से एक कॉल आया था, वो रिटायर्ड मिलिट्री मैन होगा, तो उसका रिटायर का डेट था, उसने 2 लाख रुपए ले लिया, लेकिन आपका मेरा प्रोग्राम वो गाड़ी में करो। फिर हुआ नहीं सर, उधर मैं एमपी नहीं जा सकता। अच्छा। मेरी गाड़ी मैं कम पड़ रहा हूँ। आपके पास कितना गाड़ी है अभी? अभी एक ही गाड़ी। एक गाड़ी का कितना खर्चा है टोटल? मैंने अभी जो पुराना ट्रक लिया वो 10 लाख का लिया। 10 लाख का गाड़ी लिया, उसमें खर्चा कितना? ये डब्बा जो है मेरा 30 लाख का। तो 40 लाख आपका खर्चा हो गया। हाँ 50,000 रुपया आप गाड़ी का लेते हैं ना? बराबर। आपने किए हैं 3.5 इवेंट पर मंथ एक साल, तो आपने कमाया 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मानते हैं। और उसमें घर में कितना पैसा बनता है अपना? खाली अगर हमारा गाड़ी गया सर तो उसमें हमारा खाली 5,000 रुपए खर्चा है। आपका खर्चा आप कह रहे 5,000 रुपए है, पर मैं मान लेता हूँ 10,000 है, क्योंकि मेंटेनेंस की भी कॉस्ट आती है, तो 40,000 रुपए आपको बढ़ता है। जो अनुपम कह रहे हैं महीने का 1,25,000 रुपए इससे बनाते हैं, तो साल में 15 लाख रुपए बन जाता है, 12 लाख मान लो प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट 12 लाख 13 लाख प्रॉफिट बन जाता है, मतलब साल में पैसा रिकवर हो जाएगा जो लगाया है। तो ये जो आपने 40 लाख लगाया है, ये अपना सेविंग से लगाया है या कहीं से? मेरा मंडप का बिजनेस है ना, पहले से लगा, मेरी सेविंग से लगा। वो मंडप का बिजनेस अभी भी चल रहा है? चल रहा है ना। उसमें कितना कमा लेते हैं? मेरा उसमें एक साल का कम से कम 1 करोड़ रुपए से आगे जाता है बिजनेस। नहीं भाई साहब, आपका 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट है कि सेल है? नहीं प्रॉफिट है मेरा एक साल का। हाँ एक साल। जब से ये बिजनेस आ रहा है ना, मेरे दिमाग में घुस गया ना ये गाड़ी का, तब से मेरा बिजनेस वो बिजनेस से मेरा कम हो गया। और जहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, वो मन हटना तो थोड़ा अजीब बात है सर। वो क्या हुआ है, जो हमारा पापा के पास जो 4 करोड़ का मटेरियल था, उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट 2016 से वो उसमें डाल दिया, मतलब धीरे धीरे वो बेचते गाड़ी में डाल। पर जब लॉकडाउन लग गया पूरा, वो लॉकडाउन में उन्होंने पूरा जो 1.5 करोड़ का हमारा मटेरियल बचा था वो उन्होंने 18 रुपए किलो से बेचा। 4 करोड़ आपने इसमें डाला है 2016? हाँ, मैंने पुणे में ऑफिस बनाया, उसमें 42,000 ऑफिस को भाड़ा था, 50,000 रुपए गोडाउन को भाड़ा था, और मेरी 10 लोगों की वहाँ पर टीम थी, डिजाइन, इंटीरियर, फैब्रिकेटर्स, सर्वे, जो भी हमारे को जो टीम लगती है वो टीम का पूरा सर्वे करके मैंने अभी रखा है। वो लोगों को 20,000-18,000 ऐसा पेमेंट था। तो 2017 से आज तक टोटल कितना खर्चा हुआ होगा? 3 से 4 करोड़ रुपए डाले मैंने। 3 से 4 करोड़ पूरी जान लगा दी इसमें। लेकिन वो R&D हो गया, अभी आगे चल के सेम चीज अगर आपको वापस बनानी है तो 40 लाख ही खर्चा हो, ये बोल रहे हैं? कम होगा सर, अगर क्वांटिटी में अगर हम गाड़ियां बनाएंगे 30 से 35 लाख तक। पर मुद्दे की बात यह है कि आप कह रहे हैं मेरे को गाड़ी बढ़ाना है। हाँ। गाड़ी क्यों बढ़ाना है? पहले इसी गाड़ी को आप साल में कम से कम 150-160 दिन अगर इसको काम पे लगाएंगे तब तो पैसा बनेगा। आप 50 बोल रहे सर, इसको मैं महीने के 30 दिन चलाऊंगा सर, ये मेरे पास उसका। पहले आप वो चलाइए ना, और गाड़ी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? नहीं गाड़ी कम पड़ रही है सर, मुझे नासिक से पड़ना है, जालना से पड़ना है। पहले जहाँ पे आप है वहीं पे कर लीजिए ना, चल रहा है ना मेरा कुछ भी। तो फिर इसका मतलब एक लोकेशन में ज्यादा बिजनेस नहीं है, तो आप हर लोकेशन में एक एक गाड़ी रखेंगे? बराबर। हाँ। तो आपका जो पैसा लग रहा है और जितना बिजनेस उस गाड़ी में आ रहा है वो इनफ नहीं है? बराबर। तो अभी मेरा प्लान थोड़ा बताता हूँ। छत्तीस जिले में मेरा हर जिले में ऑफिस होगा, हर जिले के लिए मेरी 25 गाड़ी, मैंने 900 गाड़ी का प्लान रेडी करके रखा। मुझे अगर 900 गाड़ी अगर मेरी मार्केट में चलेगी तो मुझे रोज का 4.5 करोड़ रुपए आएगा, 1 महीने का 145 करोड़ रुपए बिजनेस मेरा। दयानंद जी, आपने 4 करोड़ डाला, इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा सच बताएं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक गाड़ी में 20-25 दिन की मंथली निकल नहीं रही है एक रीजन में, तो जो आपका सपना है 900 गाड़ी का 4 करोड़ वाला, वो भी नहीं होगा। अभी वो आइडिया क्या है कि अगर 2 CR हम ले रहे तो उसमें हमारी 4 गाड़ियां हो जाएगी आराम से, तो उसका पर डे अगर वो गाड़ी चली गई तो उसके कितने हो गए, 4 गाड़ियों के 50,000, 2 लाख रुपए, 2 लाख × 10 डेज बोले तो कितना हो गया? 20 लाख। 10 डेज अभी 4 दिन पे है वो चैलेंज, 3.5 दिन पे चल रहा है आपका। मेरे को बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, आप लोगों का आइडिया बहुत अच्छा था, आप कहाँ से स्टार्ट हुए और आप कह रहे थे कि मैं झाड़ू लगाता था, और आज आपके पास 1 करोड़ का आप धंधा कर रहे थे, और आपके पास अपना एक इवेंट हॉल जैसा भी बन गया है, आपके सपने भी बड़े हैं कि आप और ऊपर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा सजेशन ये है कि
जैसे सबने बोला कि इस गाड़ी पे ही ध्यान लगा के इसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, आज आप बंबई तक तो लेके आए हो ना, तो थोड़ी और एरियाज में जाके ट्राई करो। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, बट ऑल द बेस्ट। मैं भी कहना चाहूंगी कि बहुत मजा आया आपको मिलके, लेकिन मैं आपको मेरा प्रॉब्लम बताती हूँ। जब मैं अंदर गई, मुझे एक सेफ्टी इशू लगा वहाँ। जब फेरे होते हैं तो वहाँ आग होती है, यज्ञ होता है, तो वो इतनी छोटी जगह में वो फेरे लेंगे, वहाँ वो फायर होगा, फिर वो जो आपने प्लेटफॉर्म लगाया था एक्सटेंशन जैसे, बहुत मुझे अनस्टेबल जैसे लग रहा था। थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिए, मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, उसके वजह से आई एम आउट। देखिए, आपका जो आइडिया है ना, वो अच्छा आइडिया है, क्योंकि जगह नहीं है, आपने पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम वगैरह बनाया है, और बिजनेस भी आएगा और बड़ा भी बन सकता है। अगर जहाँ पे अभी ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ज्यादा डिमांड नहीं है, तो आप इस गाड़ी को ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दीजिए जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो। दूसरा, आप अभी इसमें सारे खर्चे नहीं गिन रहे, मैं मान ही नहीं सकता कि आपका एक इवेंट का खर्चा 5,000 है। और थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस दूंगा इसके अंदर, तेज बहुत जल्दी में मत रहिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक है? आज मैं इससे बाहर हूँ, मुझे नहीं लगता अभी आपकी बहुत ज्यादा मदद कर पाऊंगा मैं, पर बेस्ट। मैं भी आज आउट हूँ, इसमें और पैसा नहीं डालना चाहिए। एंड जब एक की 20 या 22 दिन की बुकिंग आएगी, उसके बाद ही आप सोचिए। आपकी एक प्रोडक्ट अच्छी है पर आज डिमांड नहीं है, बट लातूर से आके आपने आज सबको काफी इंस्पायर किया विद योर 0-4 crore जर्नी, सो थैंक यू, आई एम आउट, गुड लक। भाई साहब, आपने वड़ा पाव का ठेला चलाया ना? हाँ, चलाया। पैसा कमाया उसमें? कमाया, लेकिन बंद क्यों किया उसको? बंद क्यों किया? फिर बाद में मैंने मंडप डेकोर से बिजनेस डाला और उसमें ज्यादा पैसे कमाने लगे। हाँ, उसमें ज्यादा पैसे है ना? हाँ। अभी अगर आपका वड़ा पाव बिजनेस में या आपके मंडप बिजनेस में नुकसान हो रहा होता, तो क्या आप जाके मंडप बिजनेस दूसरे शहर में शुरू करते? नुकसान हो रहा तब नहीं, नुकसान हो तब नहीं, नुकसान हो रहा तो नहीं करते, नहीं करते। तो ये बिजनेस भी आप 6-8 साल से कोशिश कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद 1 साल निकल गया, आपको 3.5 बुकिंग आ रही है हर महीने की, आप मान नहीं रहे हैं कि डिमांड नहीं है। क्या हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ। 8 साल से आपने इतना खून पसीना और अपनी वजूद इसमें लगा दी कि आपको ये आइडिया से प्यार हो गया। तो ये किस टाइप का दीवानापन है आपका कि आपने बोल लिया नहीं मैं 900 गाड़ी लगाऊंगा? तो आपको उस विषय में थोड़ा समझना है, क्योंकि प्लान से बिजनेस नहीं बनता। आप जो बिजनेस कर रहे थे ना मंडप का, प्लीज उस पर रीफोकस करके वो 1 crore रुपया जो बन रहा था ना साल का, उसको निकालना शुरू कीजिए। अगर वो बिजनेस बनेगा ना साइड में, ये बन जाएगा, लेकिन उसको छोड़ के ये करोगे तो वहां के भी नहीं रहोगे, यहाँ के भी नहीं रहोगे। मैं आज आउट हूँ, लेकिन गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, चलिए मजा आया।